रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटो में। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक सुंदर सा स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं मेरी तरह, तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि कैसे हम इसको एडिटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इस वीडियो को एडिटिंग किया जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। और फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत होगी इस वीडियो को एडिटिंग करने में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कैसे इस वीडियो को एडिटिंग किया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है फ्रेंड्स कैन मास्टर। फ्रेंड्स, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स प्लस का आइकन दे रहा है, इसको टच कीजिए। इसके बाद 16:9 को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स ये मिडे का ऑप्शन दे रहे हैं, मिडे का ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लिया। चलिए हम एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद जितना टाइम तक आपको इस स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करना, उतना टाइम तक इसके लेयर बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ लेयर का ऑप्शन दे रहे हैं, लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद मिडे से हम एक वाइट टेम्पलेट ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको लेने के बाद यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स फिर लेयर के ऑप्शन में जाते हैं। लेयर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से ओवरले का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स दो इफेक्ट ले लेते हैं। तो चलिए हम इसमें से दो इफेक्ट ले लेते हैं। सबसे पहले इफेक्ट फ्रेंड्स हम इसको लेते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो ले सकते हैं, अन्यथा फ्रेंड्स आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक इफेक्ट और ले लेते हैं हम, गाड़ी वाला, और इसको लेने के बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फिर लेयर के ऑप्शन में जाते हैं, मीडिया के ऑप्शन से हम एक इमेज ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इमेज का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें जितना भी हम यूज कर रहे हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक इमेज को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इमेज लेने के बाद यहाँ से थोड़ा रोटेट कर दीजिए कि यह फ्रेम में परफेक्ट सेट हो जाए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यह थ्री डॉट्स का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ जाने के बाद सेंड टू बैक कर दीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे फोटो छिप गया। इसको लाने के लिए फ्रेम को टच करते हैं और नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स स्क्रीन को ऑन कर देते हैं। तो देख सकते हैं फोटो आ गया है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स फिर इस फोटो को टच करते हैं, यहाँ थ्री डॉट्स का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ जाने के बाद एक इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। और फ्रेंड्स डुप्लीकेट फोटो को टच करते हैं, यहाँ थ्री डॉट्स का ऑप्शन में जाके सेंड टू बैक कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस नीचे वाला फोटो को टच करते हैं और यहाँ से आप कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स इसका कलर ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए ताकि यह देखने में अच्छा लगे। और फिर इसमें ओवरऑल एनिमेशन का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स ब्लिंक स्लो को टच कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर लेयर का ऑप्शन में जाते हैं, मिडे से हम एक फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस फ्रेम को लेने के बाद यहाँ से कलर फिल्टर का ऑप्शन में फिर से जाते हैं। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स इसका कलर ब्लू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अपने अनुसार से कलर डाल दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसको इस फोटो में एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक हम रख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फिर लेयर के ऑप्शन में जाते हैं, मीडिया से हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यह टेम्पलेट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेम्पलेट लेने के बाद फ्रेंड्स इसको आप फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा या फिर ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स स्क्रीन को ऑन कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको प्ले करके दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही परफेक्ट बन गया। इस तरह फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स टेम्पलेट को टच कीजिए। यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन दे रहे हैं, वॉल्यूम के ऑप्शन में जाने के बाद वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए। और यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दे रहे हैं, ऑडियो के ऑप्शन में जाने के बाद अपने फाइल से कोई भी ऑडियो उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं, शेयर का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ
वीडियो फ़ोन की गैलरी में बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस तरह के वीडियो एडिटिंग करना सीख सकें। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।